हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल की तरह अपने वीडियो के नीचे रनिंग टेक्स्ट को लगाना, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेक्स्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू पे जाना है और 16:9 रेशियो अक्सर यूट्यूब के लिए होता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको एक इमेज एसेट से एक बैकग्राउंड कलर ले लेना है। मैं एक कलर ले लेता हूँ, मैंने एक वाइट कलर यहाँ से ले लिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना होगा, ये जो वाइट वाला जो बैकग्राउंड है, इसको बढ़ा के इसकी लेंथ को आप 40 या 41 42 कुछ भी रख सकते हैं, सेकेंड इतने के सेकेंड आप इसको रख दीजिएगा। तो मैं इसको पूरा पहले कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको स्टार्टिंग पोजीशन में फिर से आ जाना है। स्टार्टिंग पोजीशन के बाद आपको लेयर में जाना है। लेयर के बाद ये जो हैंडराइटिंग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको इसको टच कर देना है। उसके बाद दोस्तों, ये पेंसिल वाले आइकन पे टच करके ये जो बॉक्स बना हुआ है ब्लैक कलर का, आपको इसको टच करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, जो ये स्क्रीन है, आपको जिस भी पट्टी आपको जो भी बनानी होगी, जो वीडियो में चलती है, तो उस साइज़ को आपको बना लेना है। तो मैं इसको बना लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर ये साइज़ आपको कम लग रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद दोस्तों, आप इसको सबसे नीचे आप इसको फिट कर दीजिएगा, जहाँ से आपको उस पट्टी को ले जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपका काम इतना ओके हो चुका है। अब दोस्तों, इसमें टेक्स्ट लगाना है, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाके आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जैसे लिख दे रहा हूँ कि हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, तो मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूँ, नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से आप जो भी चाहते हैं अपने टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों, आपको इसको लाल पट्टी ले जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इसका फॉन्ट बदलना होगा। तो फॉन्ट बदलने के लिए आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाके आपको जो भी पसंदीदा आपका फॉन्ट हो, आप उसको लगा सकते हैं। मैं एक फॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ, मैं कंडेंस्ड बोल्ड एक ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको इसका थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेना है। बड़े साइज़ करने के बाद देखिए दोस्तों, अब ये ऐसा दिखेगा देखने में। अब दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि अब की एनिमेशन लगाना। तो दोस्तों, की एनिमेशन लगाने के लिए आपको टेक्स्ट वाली लेयर पे टच करके ये जो बाएं साइड पे की का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको टच कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों, देखिए अब इसको उठा के इसको आप बिल्कुल लास्ट तक ले जाइएगा। लास्ट तक ले जाने का मतलब कि ये टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होके और बिल्कुल एंड तक जाएगा। तो ये पहले आप इसको एंड पोजीशन पे आके और फिर इसको की एनिमेशन को उठा के आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाना है। जैसे मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही करना है। तो बिल्कुल मैं लास्ट में ला के इसको रख देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये लॉक हो चुका है स्क्रीन। ये प्लस वाले आइकन पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए अब ये जब प्ले हो रहा है तो कितनी स्पीड पे जा रहा है। तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए थोड़ा सा इसको नीचे वाले जो टेक्स्ट को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। मैं जैसे बढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको पूरा लंबा कर दिया, और ये नीचे वाले हैंडराइटिंग वाले ऑप्शन को भी आप थोड़ा सा बढ़ा के आप उसी लेवल तक इसको भी ले जाइएगा। तो दोस्तों देखिए, अब ये प्ले होने पर बिल्कुल इसकी स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है। तो आपको दोस्तों इस तरीके से ही करना होगा जैसा कि मैं कर रहा हूं। और आपको जैसे आपका वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आपको टेक्स्ट पूरे वीडियो में चलाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको टेक्स्ट वाली लेयर को डुप्लीकेट बनाना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, टेक्स्ट वाली लेयर पर टच करके जो 3 डॉट आपको लेफ्ट साइड पर दिख रहे हैं, इस पर आप डुप्लीकेट करके ओके कर दीजिएगा। तो ये लेयर इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर पूरे वीडियो में लगाना है तो पहले हैंडराइटिंग को पूरा लंबा कर दीजिएगा नीचे तक, जहाँ तक कि बैकग्राउंड इमेज है। और उसके बाद दोस्तों, जो आपने डुप्लीकेट करके जो लेयर को बनाया है, उसको आपको टच करके उठा के, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, इसको मैं उठा के और बिल्कुल लास्ट तक ले जाना है। उसके बाद इसको फिट कर देना है। इसको आप जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये मूव होने लगेगी इधर से उधर। तो आप देखिए, अब ये टेक्स्ट लंबा हो चुका है। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखिएगा, मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ, जैसे यहाँ से ये ख़त्म हो गया पहला। अब मैं जो डुप्लीकेट लेयर बनाया हूँ वो देखिए यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, आपको इतना सा काम करना है, उसके बाद आपका ये टेक्स्ट, रनिंग टेक्स्ट आपकी वीडियो के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर इसे सेव करना है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से ऊपर अपर राइट कॉर्नर पे आपको एक एरो का निशान दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके QHD जो भी आप फॉर्मेट में आप इसको सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।